हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल लिव विद ए फॉर ए। सो गाइज, कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? वीकेंड तो अभी आया है। सो कैसा रहा आप लोग का वीक? आई होप कि आप लोग का वीक बहुत अच्छा रहा होगा। एंड नाउ वीकेंड इज हियर, सो आई एम हियर विद वन रेसिपी। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही सुपर इजी रेसिपी, जो कि आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा। देन यस, इट्स मैंगो पॉप्सिकल। ये बहुत ही ईजी है बनाना एंड दिस इज द परफेक्ट ट्रीट टू बीट दिस समर हीट। एंड ऑल्सो यू कैन इन्जॉय ऑल द फ्रोजन आइटम। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्जॉय ऑल द फ्रोजन आइटम एंड आई थिंक नथिंग कुड बी बेटर देन homemade popsicles. So without wasting any further time, let's move into the video. चलते हैं। So mango lollies बनाने के लिए मैंने लिया है 2 mangoes, 1 lemon and honey. So first cut the mangoes and keep this mango cube in refrigerator for 4 to 5 hours and then after 4 to 5 hours take out the mangoes and first we will put the frozen mango to the blender and after that we will add 1 tablespoon of lemon juice, 2 to 3 tablespoon of honey and lastly we will add few drops of rose water, that is completely optional, and then blend it. And make sure consistency should be smooth, not watery. Now take ice lollies mold and add this mango puree inside the mold. Place the lollies in the fridge for minimum 4 hours to set. So guys, हमारे 4 hours हो गए हैं. So after 4 hours, once the lollies are completely set, carefully squeeze the lollies out of the mold. सो अभी मैंने 1 लॉली निकाला है एंड इट्स रेडी टू ईट। और आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, इसका कलर कितना ज़्यादा फाइन लग रहा है देखने में, येलो कलर। वैसे ही आप 1 by 1 सारे लॉली को निकाल सकते हैं। और गाइज, आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी इज़ इट्स वेरी ईजी टू मेक एंड इट रिक्वायर्स ओनली 3 इन्ग्रीडियंट्स, ओनली 3। सो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करो, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइज, आपने देखा कि ये कितना इजी रेसिपी है एंड इट रिक्वायर्स नो कुकिंग एट ऑल। गाइज, मुझे तो मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन आई थिंक एवरीवन लव्स मैंगो। एंड मुझे स्पेशली ये मैंगो बार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इवन आई कैन ईट दीज लॉलीज ऑल डे, तब भी ये मेरे लिए कम हो जाता है। सो गाइज, जस्ट ट्राई दिस रेसिपी and keep yourself and your family cool and hydrated in this summer. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And also guys, try this recipe and let me know below in the comment section ki aapko ye recipe kaisa laga. Till then, bye bye, we'll meet you soon in my next video. So enjoy the delicious mango lollies.